सो गाइस वेलकम टू टैक्टिक्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट पैरानॉइड एंड्रॉयड वर्जन 4 2+4 एक्चुअली ऑन एंड्रॉयड 13 रनिंग ऑन एंड्रॉयड 13 नथिंग फोन 1 पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम अबाउट फोन में जाते ही देखेंगे तो पैरानॉइड एंड्रॉयड वर्जन 2+4 लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। एंड्रॉयड वर्जन 13 पर रन कर रहा है और अगर हम इस बिल्ड की बात करें तो मई 5th का सिक्योरिटी पैच आपको देखने के लिए मिल जाता है और USB कर्नल देखने के लिए मिल जाता है ऑन नथिंग फोन 1। और गाइस यहाँ पर ईस्टर एग वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड 13 का है। होम स्क्रीन पे जाएंगे तो कुछ विजुअल चेंजेस तो खास आपको नज़र नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बैटरी और क्लॉक विजेट्स ऐड कर रखे हैं और जो आइकन्स हैं हमने थीम्ड आइकन्स इनेबल कर रखे हैं मॉनिटर डिज़ाइन। स्टेटस बार और नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड नोटिफिकेशन पैनल देखने के लिए मिलता है और कुछ आइकन टाइल्स कस्टमाइजेबल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ एडिशनल टाइल्स जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कलर करेक्शन, बैटरी शेयर, कैफेन मोड, वन हैंडेड मोड, डेटा सेवर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्लिफ टॉर्च भी यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर ये काम करती है नहीं, आपको शो कर देता हूँ मैं तो देख सकते हैं कि ग्लिफ टॉर्च इस वाले बिल्ड पर आपको वर्किंग मिल जाती है, देखने के लिए मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पे लॉन्ग होल्ड करते हैं तो ग्लिफ इंटरफेस पे भी चले जाते हैं जो कि इस कस्टम रोम में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इस बार देखने के लिए मिलता है। म्यूजिक विजुलाइजर आपको देखने के लिए मिल जाता है तो अगर यहाँ पर म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है तो देखते हैं, यहाँ पर म्यूज़िक प्ले हो रहा है और जैसे ही म्यूज़िक प्ले होता है ये आपकी ग्लिफ इंटरफेस पर विजुअलाइज भी होता है। सो इट लुक्स कूल बट यस बैटरी इस पर काफ़ी ज़्यादा आपकी शक होगी। म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही वेवी वाला इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, वेवी स्लाइडर प्रोग्रेस बार दिस फोन। एंड यहाँ पे अगर कोई दूसरी डिवाइस कनेक्टेड होती है, आपकी ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लिस्टेड दिख जाएगा। यही सेम ऑप्शन गाइस आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ। पहले मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ और वॉल्यूम यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और अगर कोई दूसरी डिवाइस आपकी कनेक्टेड होगी तो जहाँ पे एरो दिख रहा है वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बटन देखने के लिए मिलेगा और वहाँ से आप स्विच कर सकते हैं आपके ब्लूटूथ पर या फिर फ़ोन के स्पीकर पर। अगर सेटिंग्स के अंदर हम जाते हैं तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में आपको वही बेसिक फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 5G आप देख सकते हैं कि इस पर वर्किंग है और वोल्टी वीडियो कॉलिंग वगैरह भी इस पर आपको वर्किंग देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं वाईफाई की बात करूँ तो वाईफाई भी 5 GHz 2.4 GHz दोनों ही वर्किंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि वाईफाई पर मुझे जो मेरा बेसिक प्लान है उससे काफ़ी ज़्यादा कम स्पीड मिलती है अदर रूम्स से कंपैरिजन अगर मैं करूँ इसका, तो जो मैंने बाकी रूम्स यूज़ की हुई है उसके कंपैरिजन में इस वाले पर मुझे नेटवर्क से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। अब मैं नहीं जानता कि सिर्फ मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है या बाकी पैरानॉइड एंड्रॉइड यूज़र्स को फेस हो रही है, बाकी हॉटस्पॉट ब्लूटूथ वगैरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। कॉलिंग में कोई इशू नहीं है, कॉलिंग में कोई आपको वॉइस या नॉइस ग्लिच देखने के लिए नहीं मिलता है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एयर। बैटरी परफॉर्मेंस की गई अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर ना मेरी काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन अभी हो रही है। अब इसका रीज़न बढ़ती गर्मी भी हो सकता है क्योंकि आपके सामने 1% बैटरी यहाँ पर ड्रेन हो गई है अभी। तो यहाँ पर अगर मैं यूजेज की बात करूँ गई, मैं 100% से फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, 4 hours 13 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम है, 31% बैटरी लेफ्ट है, 56 minutes रिडवांस एक्सटेंडेड, ये इतना यूज़ नहीं किया है मैंने, बैकग्राउंड में रनिंग था। ओके बैटल ग्राउंड इंडिया 37 minutes, ठीक है, और बाकी नॉर्मल सा यूजेज है। मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन को यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ये आधा घंटा गेम खेला हुआ है और बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो गई है, 31% अराउंड यहाँ पर 5 hours का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल जाएगा अगर मैं 1 घंटा और अच्छे से फ़ोन यूज़ कर लूँ तो। बाकी बैटरी का परसेंटेज आप इनेबल कर सकते हैं स्टेटस बार पे और बैटरी सेविंग मोड वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर बैटरी सेवर में जाकर आप इनेबल कर सकते हैं, बैटरी सेवर एक्सट्रीम बैटरी सेवर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आपको फिर बैटरी शेयरिंग तो देखने के लिए मिल ही जाती है, मैंने यूज़ नहीं किया बैटरी शेयरिंग क्योंकि कोई डिवाइस नहीं है जिसको मैं चेक कर सकूँ। डिस्प्ले सेटिंग की अगर मैं बात करूँ, अडैप्टिव ब्राइटनेस आपको वर्किंग मिलती है, ब्राइटनेस में कोई शिकायत देखने के लिए नहीं मिलेगी, ब्राइटनेस लेवल जो है आपको डे टाइम में अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि कुछ कैपिंग का इशू नहीं है। और यहाँ पर डार्क थीम की अगर मैं बात कर लूँ तो डार्क थीम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। डार्क थीम में बिल्कुल ही ब्लैक एमोलेड डार्क थीम इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है और फिर गूगल डार्क वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है जिसमें थोड़ी सी ग्रे फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। शेड्यूल कर सकते हैं आप डार्क थीम को, ओके, नाइट टाइम और डे टाइम के हिसाब से। इसको वापस से स्विच करता हूँ फिलहाल। डिस्प्ले टेक्स्ट एंड साइज़ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड आप कर सकते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस नाइट लाइट भी यहाँ पर आपको वर्किंग मिल जाती है। कलर्स की अगर हम बात करें, कलर कस्टमाइजेशन अवेलेबल है जैसे कि आप अलाइव, नेचुरल, बूस्टेड, सैचुरेटेड, अडैप्टिव, एंड यहाँ से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कलर्स कम्प्लीटली, ह्यू एंड सैचुरेशन आप सेट कर सकते हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग।
और गाइस यहाँ पर स्मूथ डिस्प्ले यानी 120 हर्ट्ज़ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको फोर्सफुली पीक करना है 120 हर्ट्ज़ पे तो यहाँ से फोर्स पीक भी आप कर सकते हैं। और बाकी फुल स्क्रीन ऐप्स वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लॉक स्क्रीन सेटिंग की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, तो लॉक स्क्रीन में कस्टम लॉक स्क्रीन टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि अच्छे से वर्किंग है। और यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन फिंगरप्रिंट भी देखने के लिए मिल जाता है। देखिएगा ये अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद भी करता हूँ तो भी आपको ऑलवेज ऑन फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। लिफ्ट टू चेक फोन, टैप टू चेक फोन, ये सब आपको वर्किंग मिलता है सिंगल टैप पे। ओके, सिंगल टैप पे आपको फ़ोन यहाँ पर वेक करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बट यस, इट इज़ अ वेरी यू नो बैटरी कंज्यूमिंग थिंग, तो मैं इसको हमेशा डिसेबल रखता हूँ। एम्बिएंट डिस्प्ले मोड, वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। अब यहाँ पे आइकन मैनेजर का ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाता है। स्टेटस बार पे जो आइकन से इनेबल और डिसेबल भी आप कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज को यहाँ से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। पैरानॉइड एंड्रॉयड में जो एक चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलती है वो है नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर्स, जो कि मैं पता नहीं क्यों मिस करता हूँ हर रोम में जिसमें अवेलेबल नहीं होता। वॉलपेपर एंड स्टाइल सेगमेंट की बात कर लेगा इस, तो चेंज वॉलपेपर का ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाएगा जिसमें पैरानॉइड एंड्रॉयड के सेक्सी वॉलपेपर्स लिस्टेड हैं। ये एक गोल्डन चीज़ है पैरानॉइड एंड्रॉयड की, जो कि पैरानॉइड एंड्रॉयड को पैरानॉइड एंड्रॉयड बनाती है। और यहाँ पे फिर आपको मॉनिट थीम कलर कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। कलर्स वगैरह आपको चेंज करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। सिर्फ 4 पैलेट्स देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 12, 16 डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है अपग्रेड का ऑप्शन जो कि 2x2 से 6x6 तक अवेलेबल है। इसके अलावा सिस्टम आइकन पैक्स जो कि स्टेटस बार पर अप्लाई होते हैं, यहाँ पर आपको अराउंड 5-8 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें विक्टर, सैम, काई वगैरह अवेलेबल है। सिस्टम फॉन्ट्स की अगर बात कर ले तो मैं अर्बनिस यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर अराउंड 5-6 फॉन्ट्स भी अवेलेबल हैं, गूगल सेंस इंक्लूडेड। तो यस, इट इज़ यू नो एक मिनिमल कस्टमाइजेशन है, बट इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं होता अगर परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया हो। यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट वगैरह का एंड स्टॉक गूगल ऐप्स का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप असिस्टेंट को वेक कर सकते हैं सिंपली स्वाइप जेस्चर से, और साथ ही में आपको ओके गूगल का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। बग्स की अगर मैं बात करूँ तो गाइस बिल्कुल बग्स अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसे बग्स नहीं है जो नोटिसेबल हो, जिनको आप डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करो। कुछ हेयर एंड देयर इश्यूज डेफिनेटली हर रोम में जो अवेलेबल होते हैं, इवन स्टॉक रोम में जो आपको कुछ ग्लिचेस एंड यूआई ग्लिचेस इंटरफेस में देखने के लिए मिलते हैं, वो इसमें भी हेयर एंड देयर कभी कभी देखने के लिए मिल जाएंगे, बट ऐसा नोटिसेबल कुछ भी नहीं लगेगा आपको। पावर मेन्यू की बात नहीं करी तो यहाँ पर आपको रीस्टार्ट, पावर ऑफ, लॉकडाउन के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब थोड़ी सिक्योरिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो यस नैक पे जाकर देखेंगे, सेफ्टी नेट आपको पास देखने के लिए मिलता है विदाउट रूट एंड विथ रूट एज वेल। अगर आप विथ रूट पे वो जो मॉड्यूल्स वगैरह फ्लैश करते हैं सेफ्टी नेट हाइड करने वाले, राइट, तो यहाँ पर ना यस नेक पे तो विदाउट रूट जो है पास देखने के लिए मिलेगा। सारी बैंकिंग एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे योनो वगैरह सब वर्किंग है। देखिए एक्सेट नहीं हो रही है, यस इट इज़ वर्किंग, तो योनो इस पे वर्किंग मिल जाता है। नेटफ्लिक्स की अगर मैं बात करूँ वाइड बैंड सर्टिफिकेशन की, तो वाइड बैंड तो गाइस आपको L3 देखने के लिए मिलती है अनलॉक बूट लोडर पे, नथिंग फ़ोन पर। तो मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ऐप सेटिंग के अंदर कि क्या देखने के लिए मिलता है प्लेबैक स्पेसिफिकेशन, तो SD आपको स्ट्रीमिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी वो पैरानॉइड एंड्रॉयड टॉपर्स 2 की बनाई थी, तब से अब तक टॉपर्स 2 से लेकर टॉपर्स 4 में क्या डिफरेंस है, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, स्टेबिलिटी और आपको देखने के लिए मिल जाती है। सिक्योरिटी पैच अपडेटेड आपको देखने के लिए मिलता है। नथिंग कैमरा इसमें ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पर नथिंग कैमरा का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसमें सारे फीचर्स वर्किंग है एक्सेप्ट द स्लो मोशन वीडियो, राइट। और एक और चीज़ यहाँ पर वर्किंग जो मुझे नहीं मिली वो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग इंडिकेटर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो पीछे ये ब्लिंक नहीं हो रहा है, सो रिकॉर्डिंग इंडिकेटर इज नॉट वर्किंग। तो गाइस ये था UI विजुअल चेंजेस एंड स्टेबिलिटी। बट अब हम बात कर लेते हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी देखने के लिए मिलने वाली है। तो PUBG BGMI जो है वापस आ गया है। BGMI मैंने ट्राई किया है इस पे और उस पे कैसी परफॉर्मेंस मिली वो आपको मैं बताने वाला हूँ। गाइस BGMI जैसे आप ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये गेम जो है फर्स्ट टाइम में ही गेमिंग डैशबोर्ड पे ऐड हो जाता है, और इस पे आप FPS, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, डू नॉट डिस्टर्ब जैसी चीज़ों का फायदा ले सकते हैं। 120 FPS यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी, और गेम के अंदर अगर हम देखेंगे तो 30 FPS अभी कैप है। यहाँ पर अगर मैं मैक्स ग्राफिक्स की बात कर लूँ तो स्मूथ पे एक्सट्रीम देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट, वही जो स्टॉक रोम में भी देखने के लिए मिलता है। कुछ गेमिंग मोड वगैरह इसमें अलग से देखने के लिए नहीं मिलता जो कि आपकी ग्राफिक्स वगैरह अनलॉक कर देगा। तो हम जो डिफ़ॉल्ट स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग है यानी कि 60 FPS उसी पे गेम खेलेंगे। छोटा मैप लगा लेता हूँ और थोड़ा सा गेम प्ले आपको शो कर देता हूँ। इवन अभी हम विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं FPS, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इनेबल करूँगा, उसके बाद भी FPS हम चेक करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, और मैं यहाँ पर जंप करता हूँ, लाइक मैं ऐसी जगह करूँगा जहाँ शुरू में ही ना मर जाऊँ, क्योंकि थोड़ा गेम प्ले दिखाना है, राइट। शिप यार्ड चलते हैं,
और अभी वीडियो रिकॉर्डिंग इनेबल नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। FPS यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, स्मूथ एक्सट्रीम हम खेल रहे हैं। ओके सो लेट्स गो इनसाइड। तो यार यहाँ पे जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने के लिए मिलेगा, जिटर लैग नहीं देखने के लिए मिलेगा। वैसे अभी आपको बता दूँ मेरे फ़ोन का टेम्परेचर बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा रात का समय मैं जो खेल रहा हूँ। दिन के समय गाइस जब गर्मी ज़्यादा रहती है ना, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होगा, राइट। बट ये इस वाले बिल्ड पर उतनी हीटिंग नहीं है जितनी 2+2 पे हमने देखी थी, यानी कि इस पे स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है, हीटिंग में इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके और यस, आप देख सकते हैं स्लाइडिंग वगैरह में कोई इश्यू नहीं देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल। तो चलते हैं बाहर। और ये जीरोस्कोप आप देखिए अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं बिल्कुल स्टेबल रखूँ तो जीरोस्कोप अपने आप मूव नहीं हो रहा है, जैसे अप डाउन होता रहता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि जीरोस्कोप बिल्कुल स्टेबल आपको देखने के लिए मिलेगा इस रूम में। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग पहले हम यहाँ से चेंज करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाके डिवाइस ऑडियो इनेबल कर दूंगा। और कुछ हायर FPS या फिर 120 FPS रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं है, और वीडियो साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ करने का ऑप्शन नहीं है, सिंपली नॉर्मल ऑप्शन अवेलेबल है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल अभी हो चुकी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल करने के बाद FPS पे कुछ ड्रॉप आता है क्या, वो आप देखिएगा। ओके लेट्स गो। ओके तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा है, बट यस हाँ थोड़े से फ्रेम ड्रॉप अभी होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल करने पर। यहाँ पे अराउंड 4 to 5 ड्रॉप्स आने लग गए हैं, अप टू 55-56 जा रहा है ये, राइट। तो नोटिसेबल डिफरेंस है थोड़ा अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ओह शिट, ओके अभी ना हाथ बिल्कुल मैं स्टेबल रखा हूँ टेबल पर, तो दिक्कत हो गई है जीरोस्कोप में। ये बॉट मारा मैंने और अब मैं मरने वाला हूँ, ग्रेट, ठीक है। सो यस, दिस इज द परफॉर्मेंस। सो गाइस अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो जो नथिंग फ़ोन पर बेस्ट अवेलेबल कस्टम रोम है ना, वो है पैरानॉइड एंड्रॉयड। इससे ज़्यादा स्टेबल रोम अभी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। एक पिक्सिस OS अवेलेबल है जो कि इसी के कदमों पे चलती है, यस, एंड थैंक्स टू द डेवलपर कि इसको इतना स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यस, मैं कहूँगा कि एक रोम जो कि नथिंग OS यानी कि स्टॉक रोम के कंपेरिजन में अगर है तो पैरानॉइड एंड्रॉयड इट इज़ ओनली। तो यार मैं बोलूँगा अगर आप इसे एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करना चाहते हो तो रोम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बग्स नहीं है नोटिसेबल, आप इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। एक ही प्रॉब्लम रहेगी कि नेटफ्लिक्स का वाइड वाइन L1 वगैरह जो आपको नहीं मिलेगा, बाकी इसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ नथिंग OS रिप्लेसमेंट। तो मिलते हैं गाइस अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड कीप फ्लैशिंग।